अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेखर हेल्थ हाजिर खिदमत है एक और नई हेल्थ टिप्स के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर खांसी है तो आप उसका मुनासिब और प्रॉपर तरीके से हल किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खांसी एक बहुत ही नामुराद बीमारी है जिसकी वजह से गले में खारिश और पूरे जिस्म में थकावट वगैरह महसूस होती है। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि ये बीमारी अक्सर औकात बच्चों को और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर स्टेमिना की कमी होती है। बच्चे जब बद परहेजी बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस वक्त उनको ये मसला होता है, और बूढ़े जब ग़िज़ा का गैर मतवाजन तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त होती है। दोस्तों, इस मसला के लिए आपने अदरक जो है उसका रस ले लेना है, और इसके साथ साथ आपने शहद उसमें शामिल कर लेना है। यानी आपने अदरक का रस उतना लेना है जितना उसमें शहद शामिल करना है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इनको सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार और आजमूदा नुस्खा है जिसकी वजह से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी हर लिहाज से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शहद खाना सुन्नत नबवी भी है, और इसके साथ साथ अगर आप इसको अदरक के रस के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये एक आसान सादा सा और घरेलू टोटका है जिसकी वजह से आप अपने इस बहुत बड़े मसले को हल अपने घर में ही बैठकर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फिर कह दीजिए, शेखर हेल्थ इज़ बेस्ट हेल्थ।